लक्ष्मी खन्ना। कितने साल की हैं आप? 72। 72 ईयर की हैं। मतदान करने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? मतलब सबको मतदान टाइम से सुबह सुबह कर देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। बाद में कोई लोग भूल भी जाते हैं या आलस कर जाते हैं। मेरे हिसाब से तो सबसे पहले आओ और खुश रहो अपना आराम से। हम तो खुश हैं बहुत ज़्यादा। आपका कितने नंबर पर मतदान किया आपने? वो मेरी सोसाइटी में नंबर 1 था और जो एक फार्म में दे रहे थे उसमें दूसरा था। तो अभी आप मतदान कर चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी, मतदान कर चुके हैं। कैसा लग रहा है मतदान करने? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आना चाहिए। मैं तो सोची मैं 100 साल जी लूँ जाके वोट दे जाती रहूँ। बाकी भगवान की मर्जी। ठीक है जी। रामविलास गौड़, एडवोकेट। किन मुद्दों को लेकर लोग वोट कर रहे हैं और अंदर की प्रक्रिया कैसी है? अंदर सुचारू रूप से ठीक ठाक वोटिंग चल रही है? हाँ, अंदर जो प्रशासन की जो व्यवस्था है बिल्कुल सही है और वो वोट बिल्कुल सुचारू रूप से पड़ना शुरू हो गया है और मतदाता लाइन लगा रहे हैं, उत्साह के साथ वोट डालने आ रहे हैं। और मुद्दा ये रहा कि यहाँ पर बहुत विकास कार्य नहीं हुआ, जो भी हुआ चारों तरफ गली नाली में पानी भरा है। इन मुद्दों को लेकर के वोटिंग कर रहे हैं लोग। क्या लग रहा है, कांटे की टक्कर है या एक तरफा है? नहीं, टक्कर तो बिल्कुल कांटे की है और ये तो बहुत जो रिजल्ट जब आएगा तो पता चलेगा। बिल्कुल थोड़ा मार्जिन जो रहेगा वो बिल्कुल कम ही रहेगा। तो पर्ची वर्ची ढूंढने में, मतलब ये जो पर्ची है जो ये बूथ लगा रखी है, कितनी दूरी पर लगा रखी है? देखो ये तो बूथ जो निर्धारित समय है उस पर लगाया गया है, जहाँ पे निर्धारित की गई है लिमिटेशन उसी पर लगा हुआ है। लेकिन एक शिकायत है जो चुनाव आयोग की तरफ से प्रक्रिया करी गई थी, तो जो BLO के थ्रू जो पर्ची घर घर बांटनी थी, उस BLO ने पर्ची घर घर नहीं बांटा। वो पर्ची किसी, मुझे लगता है कि किसी कार्यकर्ता को दे दिया और इसलिए जो मतदाता है उनको बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। इसलिए चुनाव आयोग इस पे ध्यान दे और उस BLO के खिलाफ कार्रवाई करे जो इस वार्ड में जिसके द्वारा ये पर्ची बंटवानी गई थी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वार्ड 189 वार्ड है और गौरी शंकर इनक्लेव में रहता हूँ। गौरी शंकर इनक्लेव सी ब्लॉक में रहता हूँ मैं। बताए, मेरा नाम ब्रिजलाल पटेल है जी। बताए। मैंने गया, वोट डाल के आया। अच्छा। व्यवस्था ठीक है, बस केवल चुनाव आयोग तर्फ से एक कमी थी, BLO ने घर घर पर्ची पहुंचाने का काम नहीं किया और उसके वजह से हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर्ची इधर उधर खोजना पड़ा। और जबकि BLO हर दफा 4-5 दिन पहले घर घर बांट जाती थी, इस बार इनने लापरवाही किया है और पूरे कॉलोनी में लापरवाही किया है। कौन सी जगह रहते हैं आप? मैं गौरी शंकर इनक्लेव सी ब्लॉक में रहता हूँ। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।